वाली आशाओं को 6 माह से बकाया मानदेय नहीं मिल रहा। अगर मिलता भी है तो थोड़ी थोड़ी सी रकम देकर उन्हें लौटा दिया जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो इससे इनके घर की एक वक्त की रोटी भी पूरे परिवार को नसीब नहीं होगी, जिसको लेकर लगातार पिछले माह से बकाया मानदेय को लेकर धरना दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शायद जिम्मेदारों को इस बात का अंदाजा नहीं है। जिले में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनके हर दुख दर्द में ये आशा बहनें समय पर काम आती हैं। इनका बकाया मानदेय नहीं मिलने से 2 माह से ये धरना दे रही हैं। यह है कि हम लोग को जुलाई से इतने पर तक एक भी पैसा काम करते हुए भी नहीं गया है। हम अपने बहनों को इसीलिए लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारे प्रभारी सर यहाँ के अभी ज्ञापन हमारा लिए हैं कि हम लोग को पैसा भिजवाएं, लेकिन हमारे प्रभारी सर इतने पहर तक हम लोग को देखने भी पूछने भी नहीं आए कि भाई आप लोग किस लिए बैठी हैं। ये कब से वेतन रुका हुआ है आप लोग? हम लोग का जुलाई 2000 मार्च अप्रैल का भी कुछ पैसा बाकी है हम लोग का मार्च का, और इधर जुलाई का पैसा पूरा हम लोग का बाकी है। जैसे आपके काम करते हैं इतना काम की लोड दिया जाता है कि हम लोग घर 24 घंटा भी ड्यूटी करते हैं। 24 घंटा ड्यूटी करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, जो आ रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, और हम लोग भूख का गरीब भूख हड़ताल भी करके यहाँ बैठे तभी कोई सुनने वाला नहीं है। और इतने दिन से अगर इसमें जिसका कोई सहारा नहीं है वो तो ऐसे खाने में दुर्लभ है। बताइए इसका